बुलंदशहर में नेक्सस सोलर एनर्जी कंपनी में लाखों रुपए की धोखाधड़ी मामले में 12वीं पास एक साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गया है। कंपनी की वेबसाइट के डाटा को कैप्चर कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। साइबर जालसाज लाखों का सामान मंगवा कर एक रुपए पेमेंट करते थे। बता दें, 3 बार में लाखों रुपए का माल मंगवा कर महज 3 रुपए पेमेंट किया था। बताया जा रहा है कि कंपनी की फाइनल पेमेंट शीट के बनने में 1 सप्ताह का समय लगता था। इसी का फायदा उठाते हुए साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे ये साइबर ठग। आइए दिखाते हैं इस पर क्या कहना है श्लोक कुमार, SSP बुलंदशहर का। ये पूरा जो स्कैम है उसको किया, बुलंदशहर में एक नेक्सस सोलर एनर्जी नाम की कंपनी है जिसका की काम सोलर पैनल्स और उससे संबंधित उपकरण बनाने का है। इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें यह बताया गया कि इन्होंने इनके वेबसाइट पर कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था और उस ऑर्डर की डिलीवरी भी हो गई, बट उस ऑर्डर का जो कुल पेमेंट था, जो अमाउंट था, जो लगभग 3 ट्रांजैक्शन मिला करके 5 लाख रुपए का था, उसके बनिस्बत पेमेंट इनके पास मात्र 3 रुपए यानी 1 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से पैसे आए थे। इस शिकायत के आधार पर जनपद की साइबर सेल की टीम को लगाया गया था और थाना ककोड़ में मुकदमा की विवेचना चल रही थी, जिसके क्रम में आज इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति अजय नाम का है और दिल्ली का रहने वाला है। पूर्व में भी अभी तक पूछताछ में जो बात आई है, इसने साइबर क्राइम और एथिकल हैकिंग कर रखी है। पूछताछ में इसने बताया कि ये वेबसाइट जो कंपनी की है वो इनक्रिप्टेड नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाकर ये पेमेंट गेटवे और वेबसाइट के बीच का जो ट्रांजैक्शन था उसको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा कैप्चर कर लेता था और जो पेमेंट गेटवे है उसको ये संदेश चला जाता था कि पेमेंट हो गई है और कम अमाउंट का पेमेंट ये करवाता था। इसने पूरी घटना कबूली है और इसके पास से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है जिसको हम लोग विधिवत चेक भी कर रहे हैं और भी इसके ट्रांजैक्शंस हम लोग देख रहे हैं। जो इसने फ्रॉडलेंटली सामान डिलीवर कराया था वो पूरा का पूरा सामान, जिसमें कि 2 ट्यूबुलर बैटरी, 1 विंडो और 1 स्प्लिट सोलर AC और 1 सोलर PCU जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए की है, ये पूरा का पूरा माल इसके पास से बरामद हो गया है और इससे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। हमारी साइबर सेल की टीम भी जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं, डिवाइसेस मिले हैं, उन सबको विधिवत चेक कर रही है, जिसके आधार पे अभी इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसने जो बताया ये 12वीं तक पढ़ा हुआ है और ये ऑनलाइन और कुछ AI एप्स जैसे ChatGPT का भी प्रयोग करता था। आपके साथ कंपनी में किस तरीके का जो फ्रॉड है वो हुआ था और अब क्या खुलासा किया? जो मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ वो इस तरह हुआ कि हमारी कंपनी ऑनलाइन भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट बेचती है, तो हमारी कंपनी से इन लोगों ने, जो ये मेन अभियुक्त है, इसने क्या किया कि रेजर पे में देता ही 1 रुपया था और इस तरह का कोई हैकिंग टूल इनके पास अवेलेबल था कि वो 1 रुपये को हमारी जो ऑर्डर की वैल्यू थी उस ऑर्डर की वैल्यू के बराबर कर देता था। तो मतलब पेमेंट किया इसने 1 रुपये का, पर हमारी वेबसाइट पर दिखने लगा कि 1 लाख रुपये का पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। उसी के अगेंस्ट हमने इसको माल दे दिया। एक बार किया पता नहीं चला, 2 बार किया पता नहीं चला, 3 बार किया पता नहीं चला, जब 4थी बार इसने किया और वो करीब 5 लाख रुपए का ऑर्डर इसने लगाया तो कंपनी को शक हुआ कि भाई एक ही आदमी बार बार वेबसाइट से माल खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है। तो जब उसको हमने आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि ये तो फ्रॉड हो गया है हमारे साथ में और पेमेंट 1 रुपये का हो रहा है और एक्चुअल जो वैल्यू है उसकी प्रोडक्ट की वो है करीब 5 लाख रुपये। क्या क्या प्रोडक्ट? तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने लिए, जैसे नेक्सस का हम लोग सोलर AC बनाते हैं, नेक्सस मेरी कंपनी है और मैं नेक्सस का CMD हूँ, तो हम AC बनाते हैं, लिथियम बैटरी बनाते हैं, इन्वर्टर्स बनाते हैं। तो इसने ज़्यादातर सारी चीज़ ली हमसे, पहले लेड एसिड बैटरी ली, फिर इसने इन्वर्टर लिए, फिर इसने सोलर एयर कंडीशनर लिए और लास्ट जो इसने 2 लिथियम बैटरी का ऑर्डर डाला उन बैटरी की वैल्यू थी करीब 2.5 लाख, तो जिस पर हमें शक हुआ। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है? पुलिस के लिए मैं अपने ज़िले के कप्तान साहब को मीडिया के माध्यम से और जो आफरोज जी हैं जो क्राइम साइबर क्राइम देखते हैं इसके हेड हैं आफरोज जी को और अपने इंस्पेक्टर जो शत्रुघ्न जी हैं इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पूरी मदद की और
इस मामले को मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी ये मामला खुल जाएगा, और इस मामले को बिल्कुल 100% खोल दिया और हमारा माल भी बरामद करा दिया। तो इतने बढ़िया कप्तान साहब हमारे ज़िले में हैं कि जितना उनकी तारीफ की जाए उतना उनकी जो है शब्द कम पड़ेंगे।